पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक समय गंधर्वों का और नाग वंशियों का, नाग गोत्र के व्यक्तियों का आपस में युद्ध हो गया, तो गंधर्वों ने नागों को पराजित कर दिया और उनके सब धन लूट लिया। तो फिर नाग वंशियों ने यानी नाग गोत्र वाले व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर भगवान विष्णु की आराधना की। फिर ये विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। इसने कहा कि आप जाओ और ऐसे ही पुरुकुत्स को उसको तैयार करो, उसके शरीर में प्रवेश करके मैं गंधर्व का नाश कर दूंगा। अब देखो प्रमाण, ये है अध्याय नंबर 3 और चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण पृष्ठ 242 पे, या नीचे आइएगा, तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आँखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन दलश्यायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गुणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासव के पुत्र मान धाता का जो यह प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं स्पष्ट कर दिया, प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। हो गया स्पष्ट। अब इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं, ये कहता मेरे कर्म दिव्य हैं। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान वेदों वाला प्लस में अपने युद्ध कराने की जो अटकलबाजी, ये श्रीमद् भगवत गीता नाम से 18 अध्याय इसने बोले और आखिर में डरा धमका के विराट रूप दिखा के भयंकर रूप दिखाकर जिसको देख करके अर्जुन कापन लग गया, अर्जुन जैसा योद्धा, और लास्ट में डरते ने हांबर ली अर्जुन ने, कि उसने सोच लिया कि इसका उद्देश्य युद्ध करवाना है और यदि मैं ना कर दूंगा, और इसने फिर एक बार वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, इसलिए इसने अपनी भलाई समझी कि मरना तो मैंने है ही, युद्ध करूंगा वहां भी मारा जा सकता हूं, और जब इसने फिर विराट रूप दिखा दिया फिर भी मारा जा सकता हूं, और भगवान के इरादे से वो परिचित हो गया था कि ये युद्ध चाहता है, तो इसने कह दिया कि हाँ जी मैं आप सब समझ गया हूं, आप जो कहना चाहते हो मैं युद्ध कर लूंगा। नहीं श्री कृष्ण युद्ध करवावे, जब पहले वो मना कर रहा था कि नहीं आप युद्ध मत करो नाश हो जाएगा, और फिर ये क्या कहते हमारे धर्मगुरु कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहा था इसलिए भगवान ने उसको प्रेरित किया। अरे श्री कृष्ण स्वयं अक्षत्रिय था, और जब काल्यवर्ण चढ़ाई करी मथुरा के ऊपर, स्वयं भगवान युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे, जिस कारण से उनको रण छोड़ भगवान करे कहा जाता है, तो उन्होंने उस समय भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन त्याग दिया कि जिस कारण से अनर्थ टल जावे नाश ना होए, तो क्या वो व्यक्ति फिर अक्षत्रिय धर्म के पालन करने के लिए इसे नाश करने की सलाह दे सकता है। तो पुण्यात्माओं अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सत्र का इनके पास रहे, अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में, अभी दिखाता हूँ। अपुनात्माओं महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए,
उसमें श्री कृष्ण के अंदर से काल निकल गया, ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। और अर्जुन ने कहा भगवान जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहाँ पर टहल रहे थे सत्संग का समय के इंतजार कर रहे थे, सरासर दालू आ रहे थे, तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी वो गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूँ, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और स्वयं कह रहे हैं अब मैं पूरा जो का तो तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। हम भले आदमियों जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है, तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में। अब हो जा दो मिनट लागे जो ज्ञान होता, उसने बोला हो तो उसने बोला ही नहीं था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है, उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं ऐसे बोला था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं, फिर वो कहने लग जाता मैंने एक दिन ऐसे बोला। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबा कर ये काल बोल गया सारे काम ने, और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूँ आपको। देखिए ये संक्षिप्त महाभारत, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये यहीं से प्रकाशित है गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 667 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत अब यहाँ आ गए हम। जन्मेजय ने पूछा ब्रह्मन शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। तो वैष्णवपयान जी कहते हैं कहा राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे देव सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सवजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडु नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का, अब यहां चर्चा हो रही है इनकी, महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव अब आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः उस सब विषय को वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था, और
नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडु नंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी यो ज्ञान बोलिया किसने, श्री कृष्ण जी का था, रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ लियो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था, कृपा फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इसका इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरे के बिजली गिरगीब। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं। भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया किसने है, ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ ना आगे कोई कर सकता, ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा है। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। अपना आत्मा हो, एक तो 60 वाट का बल्लब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है, ट्यूब दोनों है लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते कि पहले किसी ने नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं, उसके अंदर प्रवेश करके काल बोल रहा है। वो 1000 भुजा का भगवान है, 1000 कला का है, सहस्राबाहु। अब 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे सहस्राबाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उसको, और श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु जी जो है ये 4 भुजा के भगवान है। अब इस दास की नजरों से आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने बोला। और अन्य प्रमाणिक ये है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे, श्री कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी सुभद्रा जी, अपने साले को पहचानने से भूल गया, वो श्री कृष्ण नहीं था। वो श्री कृष्ण से बाहर निकल कर वो काल देख रहा था, ऐसे भयंकर रूप दिखाया, और श्री कृष्ण अलग खड़े हैं, ओझल हो गए उसके प्रकाश में, तेज में। तब अर्जुन पूछता है, हे महानुभाव आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या श्री कृष्ण थे वह? और भी ढेर सारे प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी के पास तो ये जितनी गव्यें थी, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, सब आकर के प्यार पाते थे,
उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे, क्या वो काल हो सकते हैं? तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इस सर्वपुरुष ब्रह्म ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और इसी को हमारे धर्मगुरु परम ब्रह्म बोलते हैं, इस काल को, कि ये मूर्ति रहित है, ये आकार में आया तो सदाशिव बन गया, ब्रह्मा जी बताते हैं। और फिर इसने अपने शरीर से एक स्त्री की निकाली अपने शरीर से, जो इसके श्री अंग से अलग होने वाली नहीं थी, वो कौन थी? वो दुर्गा थी, वो परमेश्वर ने निकाली थी इस काल के पेट से, जो आपको सृष्टि रचना में बहुत बार बताया और सुनाया गया है। तो ये श्री शिव पुराण के अंदर आप देखते हो, रुद्र संहिता के अंदर आपको कल भी दिखाया था और भी दिखाएंगे समय आने पर, तो उसके अंदर स्पष्ट है कि श्री दुर्गा जी से और श्री शिव यानी इस कसत काल रूपी भगवान से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई इन दोनों के सृष्टि क्रम से, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और फिर विद्वेश्वर संहिता में ये आपने देख लिया, पांच बोलने वाला ये अलग है, और शिव विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये चारों को ये उपदेश दे रहा है। तो ये काल रूपी ब्रह्म जो है, इसने गीता जी का ज्ञान बोला और इसने अपनी स्थिति बताई कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। और इसलिए परम अक्षर ब्रह्म की तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसने कहा है, यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम शांति की अवस्था चाहिए, तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो संत जैसे बताएं तू वैसे भक्ति कर, तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। उस परमात्मा की आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा है कि आप यहां सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर इस काल के गंदे लोक में, प्रत्येक प्राणी भ्रमित किया हुआ होता है काल के दूतों द्वारा, यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता है ताकि ये अपने कर्म बिगाड़ ले और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके ये चला जाए, फिर 84 लाख योनियों के कोल्हू में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था, तो हम अपने उस परंपरागत कर्म को जो हमारे दादे पड़दादे करते हुए आ रहे थे, उसी को अंतिम मानकर समर्पित हो चुके थे। लेकिन भगवान की कसक अवश्य रह रहकर आत्मा में उठा करती थी कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था, तो उसी आधार से कोई कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी श्री कृष्ण जी के गुणगान करते, कभी विष्णु जी की महिमा सुनते, कभी रामायण महाभारत सुनकर अपनी संतुष्टि कर लिया करते थे। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते, वो तो वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उन्हीं की देख रेख और उसके पालन पोषण में, और उन्हीं के फिर आगे संतान की कामना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति, आत्म कल्याण ही मूल रूप से है, और इसका हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम
जो कुछ होना था हमारे भाग्य में उसी को ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से थे तब ये बुजुर्ग आपस में बैठ के बातें किया करते थे। एक कहता था कि मेरे दो लड़के दो लड़की हैं और सबको ब्याह दिया, शादी कर दी और भगवान ने दया कर दी, सबके संतान है और पुत्र पुत्रियां सबके भगवान ने दे रखी हैं, मेरा काम पूरा हुआ। अब बेशक भगवान उठा ले यानी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया। अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुष्य का, अपने आत्मा परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये काम जो मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया आपने, ये तो जीवन नष्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ आपका। जैसे कोई ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, ये जीव की भारी भूल है। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो, पुण्यात्मा वैसे तो अध्यात्म मार्ग के अंदर पुत्र और पुत्री में जरा सा भी अंतर आपके हृदय में नहीं रहेगा जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। और वैसे परमात्मा कुछ भी हमारे संस्कार में पुत्र है पुत्र ठीक, पुत्री है पुत्री ठीक, लेकिन जो राम नाम पर लगे हैं तो वो हमारे लिए हमारे पुत्र हैं, अन्यथा वो काल के दूतर हैं। अब परमात्मा ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप कोई यूं कहे कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, बच्चे ब्याह दिए, कोठी बना दी और ऐसा वैसा कर दिया, ये भूल है प्राणी की। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इस लोक वेद के आधार से दंत कथाओं के आधार से इच्छा होती है कि भगवान पुत्र दे और बेटी हो जाती है, जन्म बेटी का हो जाता है, फिर पूरे परिवार की आस्था रहती है भगवान अगला तो पुत्र दे और वो भी बेटी होगी, तीसरी आस करीब पुत्र की वो भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी, पांचवी भी पुत्री होगी। तो क्या आपका चाहा हुआ, क्या आपका किया हुआ वही हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था। तो पुण्यात्माओं समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हमने जो करना चाहिए था वो सत्संग से ज्ञान हुआ, वो क्या ज्ञान हुआ, परमात्मा ने आके बताया है कि जब तक ये प्राणी सुखी है, इस झूठे सुख को प्राप्त है, तब तक तो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, क्योंकि जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के पुण्य शुभ संस्कार चलते हैं तब तक वो कितने खोटे काम करो उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ पिछले जन्म का उसको पुण्य मिलता ही रहेगा, पुत्र भी होंगे पुत्री भी होंगी और वो संतान भी नेक हो सकती है। लेकिन आगे भक्ति ना करने से जैसे बैटरी चार्ज होती है और वो बैटरी चार्ज है तो वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जग रही है, लेकिन चार्जर ना लगाने से उसकी अक्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डाउन होगी और फिर उसके बाद सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार किए हुए उनके साथ हैं, वो चाहे कुछ भी भक्ति ना करो, सारा दिन गुट्टी लाओ ताश खेलो, चाहे कितना सफल अपने आप को समझता है, चाहे मंत्री बना चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और जिसमें वो डाउन होगी उसमें देखना क्या हाल होगा। तो हमें अब पता चल गया इस बात का, हमने पहले से चार्जर लगा दिया अपना, भगवान की दया होगी चार्जर मिल गया ठीक ठाक हमें,
तो हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आवेंगी, नहीं तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई आपदा आई भी तो परमात्मा ऐसी मदद करेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए परमात्मा की खोज मैं ये प्राणी बहुत योगों से लगा हुआ है, और अब वो साधना, वो भगवान हमें मिल गया जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें जो बचाव करता है और मोक्ष देता है, हमारे प्रारब्ध के यानी संस्कारों के, किस्मत के, पाप कर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनका भी वो निवारण कर देता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे, सुख में सुमरण किया नहीं दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। परमात्मा ने आके बताया कि दुख में तो सब भगवान को याद करते, और सुख में याद नहीं करते, सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति आज अपने आप को इस झूठे सुख में सुखी मानता है और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है, भक्ति करता है, तो उसके ऊपर आने वाले कर्म के कष्ट नहीं आवेंगे। और जो इस झूठे सुख में मस्त है, पुण्यात्मा, प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध बनाया जाता है। प्रारब्ध बोलते हैं हमारे पुण्य और पाप, वह भगवान के दरबार में संचित हैं, डिपॉजिट हैं बैंक में। तो उनमें से जब हमारा मनुष्य जीवन आता है एवरेज रेशो में, पुण्यों के हिसाब से पुण्य निकाल लिए जाते हैं और पापों के हिसाब से पाप, दोनों का मिश्रण करके आपको एक मनुष्य शरीर मिलता है। जिनके पुण्य अधिक संचित हैं उनकी पुण्य की रेशो जीवन में ज्यादा होती है, लेकिन पापों का समावेश भी अवश्य होता है। तो जब तक पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और जब पापों का दौर शुरू होता है फिर ये भटकता है, रोता है बुरी तरह टक्कर मार मार के, फिर परमात्मा को याद करता है। उसमें परमात्मा उस विषय में कहते हैं, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगेगी खेत। फिर परमात्मा दयालु है, कहते हैं पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपूठी चाक। अब दयालु क्या बताते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, सतगुरु की तलाश की नहीं, और अब क्या पछतावा करे, समय रहते अपने खेत की रखवाल करी नहीं, खेत को चिड़ियों ने खा लिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि चेत सके तो चेत ले, आधा पदा उभार के जो थोड़ा बहुत बचा है तेरा, अब इसको संभाल ले, इसको उभार ले, अब भी बात बन जाएगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, ये तत्व ज्ञान ना मिलने से, अध्यात्म ज्ञान ना मिलने से
अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से, रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीले तक, समाज से, वो केवल यही मिलती है भाई अपना करके खा ले और ले कर दे दे। ये तो एक नेक पुरुष का कर्तव्य बनता है, ये तो फर्ज होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने भविष्य का जो करना था वो परमात्मा की साधना धर्म पूर्ण करने थे, वो ज्ञान के बिना वंचित रह गए। और वो ज्ञान मिले सतगुरु और संत से, तो परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। ठीक है, समाज संसार में रहने की विधि तो आपको समाज के लोग बता ही रहे, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो संत ही बताया करते हैं। और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में ग्रिप हो गए और उन्हीं विचारों से आप संतुष्ट हो गए कि इतना ही काम है। जब सत्संग में आवांगे पता चलेगा कि मनुष्य का और भी एक आवश्यक काम है जो हमने प्रारंभ नहीं किया। दास पहले गांव गांव में जाते थे, सत्संग करता था। एक गांव में दो भाई थे, एक ने उपदेश ले लिया था, एक उनके पिताजी थे, बहुत नेक आत्मा थे, लेकिन इस ज्ञान के अभाव से वो इन सत्संग आदि के नाम से बहुत खिजते थे। हम वहाँ 3 दिन का पाठ करते थे जैसे यहाँ चलता है, और 3 दिन तक दो दो तीन तीन बार टाइम में सत्संग करते थे। घर वालों को समझाते थे क्योंकि नया भगवान, नया ही ज्ञान, कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुद्धि में आता है ये। तो हम सत्संग कर रहे थे, उन घर वालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन कोई भी हुक्का बीड़ी तम्बाकू का प्रयोग करने नहीं आवे, या घर में बीड़ी तम्बाकू लेकर भी नहीं आवे। तो क्या हुआ कि उनका बुड्ढा ऊपर चौबारे में आंगन में, गर्मियों के दिन थे, ऊपर हुक्का भरकर बैठ गया दूसरे भाई अपने पुत्र के घर पे। हम सत्संग करते रहे, तो जब सत्संग समाप्त होने को हुआ, रात पहले दिन सत्संग सुना दिन में, फिर रात ने सुना, तो अगले दिन वो रात्रि के समय सत्संग समापन हुआ, बूढ़ा नीचे आ गया, लगभग 70 वर्ष की आयु थी उसकी। अब वो आके हमारे पास बैठ गया जमीन पे, और उसकी पुत्रवधू ये सोच रही थी बूढ़ा पता नहीं के बोल लगा महाराज जी को, पता नहीं के कह देगा यू, क्योंकि इन कभी ये काम देखे नहीं और पता नहीं क्यों आ गया यू, यू तो बहुत चिढ़ा करता इन बातों से। वो बैठ के और आंखों में पानी भराया, रोन लग गया। मैंने पूछा क्या बात होगी बाबा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? नोबला जी, जो ज्ञान आपने सुनाया ये बात तो आज तक हमने कदे सुनने को ना मिली। हमने तो लक्ष्मी चंद की रागनी सुनी है, और कोई सांग सिनी में देखे, और मैं तो इतना मेहनती आदमी था, इन पुत्रा के 2-4 किले आवे थे, मैंने इनके 12 किले बना दिए, 12 एकड़ जमीन, 8 एकड़ और मोल ली मेहनत कर करके, और ईब मेरा के होगा, मैं तो 70 साल की उम्र होगी मेरी, अब मैं के करूँगा, क्या बनेगी मेरे साथ में। मैंने तो इस ज्ञान से सारी रात नींद आनी बंद हो गई, और अब मेरा खाना पीना भी छूट गया, अब क्या बनेगा, मेरा के होगा, मेरी तो उम्र जाली। और उसकी पुत्रवधू भी वहीं बैठ गई, बूढ़ा आज तो बहुत अच्छा बोला, और वह ध्यान से सुना कि जो के हो गया बुढ़े के एकदम। ने बोला जी क्या मेरा भी कुछ हो सकता है? मैंने कहा देखो विश्वास करो, विश्वास करो। अब जैसे कुएं होते थे पहले बहुत गहरे, और उनमें 100-150 फुट नीचा जल होता था, उसको निकालने के लिए एक लंबी नेजू आया करती रस्सी, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सा और 150-200 फुट लंबा, और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी, और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो 100 फुट दूर तक खींच के ले जाते थे 2-3 जने,
और फिर बाल्टी से जल निकलाता था। तो मैंने कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और निज्जू हाथ से छूटगी रस्सी, और वो तो जा रही है और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली जार, वो हाथ में आ जा लास्ट की 6 इंच भी ठहगी, लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और हाथ में पकड़ी जावे तो क्या हो, वह बाल्टी भी बाहर आ जा और पानी भी साथ आवे, जल भी भरा होगा और बाल्टी भी मिलगी, कुछ भी ना गया। अरनू का एग्जाम देव तय ली तो वो तो जा ही रही है, फिर तो पड़ गए कुएं में, हाथ से छूट गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत भक्ति आपको मिलगी, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और आप क्या, तो अभी 70 वर्ष है एवरेज, 80-90 तो मानते हैं मनुष्य की आयु, और आप तो स्वस्थ दिखाई देते हो, करड़े हो, खूब तगड़े, और नाम लो पर ओका बीड़ी शराब तमाकू ये छूना नहीं पड़ेगा, और आन उपासना कुछ नहीं करोगे, ये बाबे गांव घूम में जितने डेरे डेरे बन रहे हैं या अन्य जो समाध पूजा तीर्थ व्रत ये नहीं करने होंगे। न बोला जी मैं तो कुछ नहीं करूँ, मेरा पीछा छूटे क्यों करे, और कर करा लिया हमने सारी उम्र डड़े डोलिए, मुझे दीक्षा दे दो। उसकी पुत्र वधू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवे है तू, नाम लेकर हुक्का नहीं पीना। न बोला तू देखिए तेक में, मन तो पता ही ना था इस बात का, आग लग गई सोके गए, फूकना मैंने मेरा गधा बनूंगा, कुत्ता बनू, ब्रान मट्टी होगी, और संता के वचन है ये झूठे नहीं हुआ कर दे बेटी, तो पुणात्मा देखकर भाग जाएगी बुढ़ापे में। नाम ले लिया उस भक्त ने और 10-15 वर्ष जिया और सह शरीर आराम तो अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। कहते हैं जीना तो थोड़ा ही बला जा सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवन लेखे दरे नहीं कोई। अपने आत्मा जैसे बालक भक्ति पर लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़कीबाजी ला देगा। न पता है उसने रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए तो स्लोप में आ लिया जीवन, कथी नो डलान में है, लास्ट दिन के रह जा 60 साल पाछे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने। और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे, हर ईबते ही न्यू पड़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं, हेर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी, हिर आगी अंत घड़ी, हेर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी, हिर आगी अंत घड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालो या मन मरेरी और एली करवा दो खड़ी, टिकट कटन न हो रही है और ये आस्था लाए बैठा है कि भगवान एक पोता और ब्याह जा फिर बेसिक मर जाऊं, और फिर नौके एक छोरे किया एक और मकान बन जा बस फिर क्या कहने बेसिक मर जाऊं। बता इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ज्ञान हो जाएगा तब अपना माला लेके और बैठ जा कुण में, ना ताश खेले ना हुक्के पाड़े ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वावे। तो इस प्रकार पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे, और ले रहे तीन राख उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार।
बेगार क्या होती थी, हम छोटे थे उस समय ये थ्री व्हीलर चले थे पेट्रोल के, जिसने ये गणेश बोले है, और हमारे गांव से लखन मादरा तक एक गणेश चलते थे, दो टेम्पू थे वह, उनमें से एक एक दिन नहीं आया, तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहाँ चला गया था, उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी, पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी, और किसी को पकड़ लेते थे ऐसे को भाड़ा करने वाले को, कहीं रेड लगानी होती, कोई चोर उचक्का पकड़ना होता तो उसने पकड़ ले जाते, सारा दिन उसकी रेल बनाए रखते, वो तेल भी अपने दोहरे डालता और सारा दिन इधर चल उधर चल, सुबह पकड़ लेते रात के 12 बजे छोड़ते, एक मिनट का चैन नहीं और खर्चा करते हैं। तो वो बता रहा था कि कल बेगार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया, उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1.5 रुपया 1.25 रुपये लीटर था, और उस दिन की दिहाड़ी गई, 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया, सारा दिन धक्के खाता अंडे ने बोला, 1 बजे छोड़ दिया, सुबह ले गए थे पकड़ के रात के 1 बजे। तो वो बेगार होती है, सारा दिन तो पूरा उसको एक मिनट की पल नहीं, पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं, सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे, और घरते खर्चा करके दिहाड़ी भी लुटवा के हर रात न पड़या आके, तो अपने तो पल्ले तो खर्चा करया, और एक मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चलया, वह बेगार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक को घनी सवारी करके आता होगा, यू हर फंस रहा था बेगार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने न्यू दिखा है कि तो बड़े आगे पाछे इसके सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है, परमात्मा कहती है तो थ्री व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह विरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, या भक्ति नहीं है तो यु राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है, और आगे की दाढ़ी बनती नहीं क्योंकि यो नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना का ठोर है, ये नर ना ही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए बगैर गुरु धारण किए ये मनुष्य ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है, मुझे इस चीज का आश्रय हो रहा है, और भक्ति बिना का ठोड़ है, ये नर ना ही पाषाण, ये तो पत्थर है जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहाँ से हुए, हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सतभक्ति की आवश्यकता होती है, तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आके इकट्ठे होते हैं, जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान ने। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करें जो आज सारे नंबर मिल गए, और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नहीं। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है,
ये काया देसरा हीरे संतो यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठा कर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है लाइलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा के हो बनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बाँ पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत, फिर न होगा पछाड़ खाखा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरे कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे न एक दूर कति सौ सौ कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़ कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए वापस छोड़े, फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष वो तो बताने आए नहीं हमारी गिल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। सर्वपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अपने आत्मा हमने अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा हमारा साहेब कौन है, कबीर साहेब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता, उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौट कर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश गोयल है सर। दिनेश जी आप कहाँ से आए हैं? इंदौर मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव से 2014 में 8 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं भगत जी 10 साल की उम्र में बॉम्बे जाता था,
तो बॉम्बे में क्या ये हीरोइन हीरो जितने भी बॉम्बे के सबको में गणेश जी की सेवा बहुत करते थे वो, तो गणेश जी की सेवा करते थे, तो मेरे मन में यही है कि अज्ञासा उठी कि ये गणेश जी से बड़ा कोई है ही नहीं पूरे संसार में, और मेरे मन में यही थी उमंग के मैं सबसे बड़ा जो देवता है उसी की सेवा करूँगा, उसके अलावा किसी की नहीं करूँगा, ऐसा मन में हुआ। और मैं बॉम्बे जब गाड़ी पे जाता था, एक ट्रक था 13 नंबर, मऊ से जाती थी, तो मेरा विचार यही था कि मैं ड्राइवरी करूँ और कंडक्टरी करूँ और यही बाकी इसी में जीवन काट। तो उसके बाद में मैंने देखा कि गणेश जी से बड़ा कोई है ही नहीं। फिर मैं अनाज मंडी में काम था मेरा कंट्रोल का, शक्कर चावल गेहूँ का, तो वहाँ पे फिर मैंने गणेश जी को 8-9 साल बिठाए, भंडारा करता, यज्ञ करवाता, ओंकारेश्वर लेके जाता, 25-30 हज़ार रुपये जो खर्च होता वो भी करता मैं सब, उनकी सेवा खूब करी। पर उनकी सेवा तो करी, पर सेवा करने के बाद में क्या हुआ भगत जी, सेवा करने के बाद में ये हुआ भगत जी कि वो नशे नहीं छूटते। फिर क्या है कि पत्नी के मन में ख्याल आया कि अपने को बोले नाम लेना, तो वो 2-3 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि बोले अपने को नाम लेना है। इंदौर शहर में हमारे रिश्तेदार भी है, कम से कम 40-50 गांव हैं। फिर हम 25-30 जने बड़वाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे भगत जी, तो फिर वहाँ मेरे को सब अच्छा लगा, वहाँ घूमा फिरा सब कुछ, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान मैंने छान मारा था और पूरा घूम रखा है कि कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं। पर मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं आज जीवन में पहली बार मेरे को इतना अच्छा लगा कि ऐसा कहीं पे भी नहीं मिला, जो 35-36 साल की उम्र में मेरे को इतना सब कुछ अच्छा लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जी आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? फिर संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया, वो पहली बार गया था और दूसरी बार फिर गया, तारीख पे गया, सत्संग में गया। भगतमती ने बोले आप ये प्रॉपर्टी का काम छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। मेरे मन में उमंग थी कि मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं गुरुजी का असली गुरुजी के मंत्र ले रखे हैं, असली गुरुजी हैं मेरे कहने, तो मेरे को नहीं छोड़ना। फिर मालिक ने ऐसी रजा करी जो 3-4 काम इकट्ठे हो गए, 3-4 काम में मेरे को 2-3 लाख रुपए इकट्ठे नगद मिल गया भगत जी, नगद मिल गया। तो एक डिलक्स गाड़ी भी नगद मिल गया, फिर घर का कारोबार भी सब सही साठ होने लग गया, चलने लग गया, मालिक की खूब रजा हुई, खूब मेहर हुई। अब मेरी मम्मी को भी बाबा सिर की बीमारी थी सर, उसके बाद में मम्मी ने क्या है भोपाल में भी ऑपरेशन करवा लिया था, फिर 2-4 साल सही रही, फिर ज़्यादा हो गई वो, तो बोले अब मरने जैसी हो गई है मम्मी, फिर मम्मी मरने जैसी हो गई थी। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास में मैं आश्रम में लेके आया मम्मी जी को, उनका नाम दिलवाया, वो नाम दिलवा के उनको फिर धीरे 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 उनको 15 दिन में तो वो ऐसे हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गई मम्मी, वो बाबा सिर की बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो गई। फिर वो गुरुजी का इतना सत्संग सुनती और इतने प्यार से वो घर में रहती है, और बच्चे भी मेरे एक लड़का है कि 16 साल का उसने भी नाम ले रखा है, एक लड़की है 12 साल की उसने भी नाम ले रखा, अभी पिताजी हमारे मरते मरते बचे उनने नाम नहीं लिया था, 1.5 लाख रुपया लगा भी दिया हमने। फिर उसके बाद में फिर भी हालत ख़राब थी उनकी, फिर भी वो ठीक नहीं हो चुके, फिर उनको संत रामपाल जी महाराज के कहने लाया आश्रम में, उनसे नाम दिलाया, फिर उनने नाम लिया। उनका एक तरफ की किडनी भी ख़राब थी और एक तरफ उनको क्या है कि पूरा फेफड़ा भी आधा ख़राब था, फिर उसके बाद में क्या है कि उनको डबल नमूनिया भी हो गया था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, हम अस्पताल में पैसे भर भर के परेशान हो गए थे। फिर उनको नाम दिलाया तो भगत जी अब स्वस्थ हो गई, मम्मी भी हो गई, पापा भी हो गए। और फिर मैं सर क्या है कि नशे से परेशान था, नशा क्या है, दारू होना या फिर भंग होना या फिर तम्बाकू होना, तो तम्बाकू खा के सो जाता था मैं, या बादशाह खजाना बीमल माणिक चंद गुटका सभी नशे करता था मैं, हाँ राउंडर था मैं बिल्कुल। फिर वो क्या हुआ, मालिक की ऐसी दया हुई जो पत्नी मेरे पीछे पड़ गई 1-1.5 महीने से कि नहीं अपने को रामपाल जी महाराज के नाम लेना है, गुरु दीक्षा लेना है, वो सोच भी रही थी 2-3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से कि अपने को किसी भी गुरु के नाम लेना है, और आप शराब पीते हो, मैं परेशान थी, और हमारे 36 का आंकड़ा था, झगड़ा होता था हमारे में, मैं जिस दिन पी के आ जाता था उस दिन समझो हमारा दोनों का बहुत खतरनाक झगड़ा होता था। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया और उनके वजह से आज उनकी बदौलत है जो नशा भी छूट गया, और विशेष तो एक गुरुजी की रजा है कि सब नशा भी छूट गया, और उसके बाद में एक विशेष हाथ ये भी है कि धर्मपत्नी जो है उसने भी बहुत सहयोग करा, जब जाके आज मैं आश्रम में खड़ा हुआ वो नशे पत्ते सब छूट गए, और वापस पूरा परिवार जो बिखर जाता था, अलग अलग नशे में थे, अलग अलग दुनिया में जी रहे थे, सब एक भी कर लिया मैंने वापस। आपके पति ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे और नशे से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आए दिन आपके साथ झगड़े होते रहते थे, ये कैसे संभव हो सका? वो है ना, मैं ऐसा लगता था मुझे, मैं सब भगवान की भक्ति करती थी हूँ,
तो वो भगवान, मैं बोलती थी कि ऐसे भगवान किस काम के मेरा दुख नहीं हटा सकते। तो फिर वो मेरे देवर देवरानी गए थे, तो वो मैंने एक बार उनके पास माली का पोठू देखा, तो मैंने बोला कि ये भगवान, मुझे ऐसा लग रहा था, मन में तमन हो रही थी कि मैं वहीं जाऊंगी, मैं भी तो देखूं देखान वहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फिर वहाँ मैंने बोला उनसे, सब पूछा क्या क्या है, तो बोले सब नशा छुड़वाते। तो मैंने बोला मैं वहीं जाऊंगी। फिर वहाँ इनको रोज़ बोलती थी कि तुम नशा मत करना, वहाँ चलेंगे वैसा करेंगे ऐसा, संत रामपाल जी महाराज के शरण में चलेंगे, उनके आश्रम में चलेंगे। तो वहाँ गए तो मुझे फिर भी ऐसा ही धमक लगी कि क्या मालूम ये लेंगे कि नहीं लेंगे, संत रामपाल जी महाराज के नाम में ले आई तो है यहाँ, लेकिन नहीं लगता मुझे कि ये लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर मैं तो पीछे रह गए और भगत जी ने नाम ले लिए, तो वो मेरे दूसरे वो थे संग में, वो बोल रहे भगत जी बोले कि आपके भगत जी ने नाम ले लिए। तो मैंने बोला ऐसे कैसे संभव हो गए, ये बोल रहे थे कि मैं घूमने फिरने के हिसाब से जा रहा हूँ, मेरी इच्छा होगी तो नाम लूंगा नहीं तो मैं नहीं लूंगा। मैंने सोचा मैं ऐसे ही करके चले गए कि चलो ऐसे ही लगे गए कि इच्छा इनकी घूमने फिरने की होंगी। तो फिर वहाँ से आए तो इनका नशा सब छूट गया। बहन जी, आपने बताया कि आप नशे से बहुत परेशान थे, आपके पति नशा करते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपके पति ने नशा छोड़ दिया। बहन जी, आपकी तरह बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके पति नशा करते हैं, मैं आपको सब, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बहन को बोलती हूँ कि तुम वहीं जाओ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वहीं सब नशा छूट जाएंगे, सब दुख तुम्हारा वहीं रह जाएगा, तुमको वहीं से ही खुशी मिलेगी। सर, आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज के प्रति आपकी कैसी आस्था है? वहाँ की सरकार ने गलत करा गुरु जी के साथ में, मैं भी जेल में था, जो पुलिस वाले अंदर थे वहाँ के, जो कैदी एदी को जो अंदर करते हैं लॉकअप में अंदर करते हैं, उनने बोला कि जो भी हो रहा है ना आपके गुरु जी के साथ में या आपके धर्म के साथ में, ये गवर्नमेंट जो यहाँ की सरकार गलत कर रही है, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के अधिकारी जो भी हैं कुल मिला के गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भक्ति करना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, और जो भी असली संत और असली भगवान जो भी भक्ति दी है और असली गुरु है असली भगवान है, उनको गवर्नमेंट क्या करती, जेल में डालती है या फिर गोली मारती है। और नकली जो रहते हैं ना, वो चार चोर मिल के क्या है, खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का साथ दे के बोले चल तू भी मौज कर मैं भी मौज करूँ। वो असली क्या रहता है कि असली मौज नहीं करता, असली क्या बोलता है कि सिस्टम ख़त्म करो और सही साठ सिस्टम में लाओ। तो क्या है, संत रामपाल जी महाराज तो ये है कि जो ये लूट मार की दुकानें लगा रखी है, मंदिर मस्जिद फालतू बना रखे हैं, ये सबका उनने बोला है कि ऐसी भक्ति नहीं होती है, भक्ति सीधे सीधे करो, जो मंत्र दिया है उसकी भक्ति करो। असली गुरु वही है जो नशा नहीं करे और ना करने दे और ना अपने को रोजी रोटी दे, काम धंधा सब दे, गुरु वही होता है। अब ये कहा है कि गुरु जो नशा कर रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, आप गांजा पी रहे हो, चरस पी रहे हो, चेलोग बोल रहे हो जाओ चरस लेके आओ तो गांजा लेके आओ तो अफीम लेके आओ तो जाओ शराब लेके आओ तो ये लेके आओ तो वो लेके आओ, ऐसा नहीं। हमारे गुरु जी कहने तो ना नशा करना है ना नशा होता है। संत रामपाल जी महाराज में मेरे से पहले इतनी आस्था बढ़ गई है भगत जी सर मेरे में कि अब गुरु जी से मेरे को कोई हटाए भी और कोई बोले कि मैं 10 करोड़ दूं या 20 करोड़ दूं या 1 अरब भी दूं तो मैं उसको ठोकर मार दूं पर गुरु जी को नहीं छोड़ूं भगत जी। सर क्या गुरु जी असली गुरु मिल गए, असली भगवान मिल गए, और असली घर मकान कहाँ है, कौन सा आश्रम है, क्या है, अब मैं बिल्कुल पक्का हो चुका हूँ। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आपसे विनती है कि भाई बहन जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में देश में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो और उनको समझो। धन्यवाद सर। सच साहिब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।